साइड गया है यहाँ से, हाँ इसीलिए ग्रिलिंग कर दी है ना। ओके बन हो किसी का तो आज से। बसंत के मौसम आ चुके हैं ना। हेलो गाइज, सुस्वागतम है न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आज अनमोल जा रहा है देहरादून, तो उसी की तैयारी चल रही है, पैकिंग हो गई है, बस ब्रेकफास्ट करना है फिर निकलना है। तो गाइज आप लोग बने रहे हैं हमारे ब्लॉग में, हमारे टूर में, बस मजे करने वाले हैं पूरा देहरादून ब्लॉग में। देहरादून से ऋषिकेश भी जाना है, ऋषिकेश से मसूरी भी जाना है, तो हम लोग पूरा फुल मस्ती करने वाले हैं। लाइक करें, शेयर करें हमारे ब्लॉग को और बने रहें। बाकी मेरे बेल्ट बच गए, ब्रश सब ले लिया, सारा भी अपने ऐसा लिया है। तो गाइस गरुड़ा से हल्द्वानी एंड हल्द्वानी से देहरादून के लिए चलते हैं गाइस। गाइस भीमताल और हल्द्वानी के रूट पे एक पॉइंट है, सुसाइड पॉइंट। मैं पहले नहीं जानता था इसको सुसाइड पॉइंट क्यों बोलते हैं। पहले मैं हमेशा सोचता था कि ये क्यों ग्रिल लगा हुआ है साइड से, बट रोहित भाई ने बताया ये सुसाइड पॉइंट है भाई। यहाँ दो तीन लोगों ने वो किया है, सुसाइड किया है यहाँ से, हाँ इसीलिए ग्रिलिंग कर दी है ना। ओके बन हो किसी का तो आज से। मैं बस स्टैंड आ गया हूँ, बट यहाँ पे बस है नहीं अभी एक भी देहरादून के लिए। मुझे 2 बजे तक वेट करनी पड़ेगी, 2 बजे कोई बस आएगी फिर मैं उससे जा पाऊँगा, 2 से 2:30 बजे यहाँ से निकलेगी। आज तो लेट होना है, रात में ही पहुँच पाऊँगा देहरादून। तो गाइस देहरादून पहुँचा हूँ अभी, बस में काफ़ी भीड़ थी, अभी 11:30 बज गए रात के, तो बहुत काफ़ी लेट कर दिया बस ने। एक्चुअली आज कोई पटवारी का पेपर था तो स्टूडेंट का बहुत भीड़ था बस में, इसलिए बस बहुत लेट से पहुंचाया इतने रात में। मैं अभी होटल सर्च करूंगा, बस कोई रूम खाली हो मिल जाए अच्छा सा, फिर रात बितानी है। कल ऋषिकेश के लिए निकलेंगे, ऋषिकेश हरिद्वार। यहाँ पे खाने का भी बहुत सारे आइटम अभी हैं, तो कुछ खाने का भी मिल जाए तो ले लेता हूँ यार, फिर होटल ढूंढते हैं। पहले पेट पूजा फिर रहने का तो हो ही जाएगा। तो गाइस हमने यहाँ से खाना पैक करा लिया, अब बस बाड़ी है होटल ढूंढने की। प्रॉक्स मिल ही गया है एक होटल मुझे, पास में ही दिखा रहा है, इधर से ही है। तो गाइस हमें रूम मिल गया है, चेक इन टाइम। आइए आप अपना नाम लीजिए। परमानेंट एड्रेस जो आपके आईडी में। तो गाइस रूम मिल गया है, रूम कैसा है ये तो देख लो। तो गाइस ये छोटा सा प्यारा सा कमरा मिला है, वॉशरूम इधर है ना, वही गीजर भी है, तो शावर लेना तो बनता है। इतने धूल आज उड़ रहे थे, बसंत के मौसम आ चुके हैं ना, इसलिए पेड़ के पत्ते झड़ रहे थे, धूल उड़ रहे थे पूरे रास्ते में, खासकर बस स्टैंड के पास जब हल्द्वानी से चला था। कि जर्नी तो बहुत थकान रहा, खाना भी ले आया हूँ पैक करके, अभी खाने का मन नहीं था तो आराम से खाऊंगा। रूम तो ठीक ही है। तो गाइज देखते हैं, पहले मैं फ्रेश होता हूँ, आप लोग बने रहे फिर मिलते हैं। तो गाइज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, खाना खा के फिनिश कर दिया, अब बस सोने का मन कर रहा है, सोते हैं, सुबह मिलते हैं नए मॉर्निंग में, नई जगह चलेंगे
और फुल मस्ती करने वाले हैं। ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ लिखें। ये कोशिश किया बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाने का, बिकॉज मैं बस में बना नहीं पाया, बच्चों लोगों की बहुत भीड़ थी बस में। एक्चुअली बस से मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरा ट्रेन मिस हो गया, तो बस ही एक ऑप्शन बचता था। वो भी आपने देखा किस तरह से लास्ट बस थी 2 बजे वाली जो मुझे मिल पाई, उसके बाद सीधे 6 बजे शाम में 7 बजे शाम में थी बस। तो उस वो अगर वो बस मिस हो जाता तो फिर मैं मॉर्निंग में पहुंचता, फिर मैं कल का काम नहीं कर पाता, कल कहीं घूमने नहीं निकल पाता। तो गाइज गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।